नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। प्रयागराज रिजल्ट्स यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है। एनएचएम से सीएचओ की स्थापना की है और ये बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है कि इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, केवल आपके मेरिट लिस्ट से, जो आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है उसके मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन होगा। टोटल पोस्ट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 2700 वैकेंसीज है जिसमें आपको फाइट करना पड़ेगा और लास्ट डेट 25/11/2021 है। तो इससे पहले आप इस फॉर्म को भर लें। अब आइए देख लेते, पूरी जानकारी मैं देने वाला कि फॉर्म को कैसे भरना है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट। तो आइए देख लेते। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने का इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 5/11/2021 से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 25/11/2021 है और एग्जाम फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 25/11/2021 है। एग्जामिनेशन डेट अभी सून है और एडमिट कार्ड भी अभी सून है, क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी फीस कितनी है। तो आप देख रहे होंगे तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹300 रखा गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹200 रखा गया है और SC ST PF दिव्यांग वालों के लिए ₹100 रखा गया है। और चौथी चीज की ऑल कैटेगरी फीमेल, किसी भी तरीके की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ₹100 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए इसकी आयु कितनी है। तो आयु अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम वर्ष 21 और अधिकतम वर्ष आपकी 35 वर्ष यहाँ पर बता। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य एनएचएम सीधी भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। तो मैं पहले बता दूं, ये छत्तीसगढ़ राज्य से ये वैकेंसी निकली हुई है तो ये आपके पास उसी के अकॉर्डिंग, मतलब छत्तीसगढ़ एनएचएम के अकॉर्डिंग ही आपको आयु में छूट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया वैकेंसी डिटेल, यहाँ पर 2700 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसी में आपको फाइट करना है। पोस्ट का नाम मैं बोलता हूँ तो एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ मिशन है, सीएचओ की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता जिसे कहते हैं। तो बैचलर डिग्री, वो भी बीएससी नर्सिंग आपके पास हो या फिर बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास, आप किए होने चाहिए। स्टाफ नर्सिंग का क्या है, इसमें मैं बता दूं कि स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में आपका पंजीकरण हो, यानी कि आप जिस स्टेट से आपने बीएससी नर्सिंग कर रखे हो उस स्टेट से आपके काउंसलिंग पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप टॉप पे देख रहे होंगे तो डिवीजन वाइज एनएचएम वैकेंसी डिटेल 2021 ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिवीजन आप देखिए, यहाँ पर डिवीजन जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, बस स्टार है, सरगुजा है और टोटल आप देख सकते हैं। तो ये आपके डिवीजन है। साथ में आप देखेंगे तो जनरल SC ST OBC और यहाँ पर टोटल चीजें, टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे रायपुर में अगर आप जाएंगे तो जनरल SC ST OBC के लिए, तो जनरल के लिए 248 पोस्ट है, SC ST और OBC के लिए कम से 76, 63, 63, टोटल 500 वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरह बिलासपुर में अगर आप देखेंगे डिवीजन बिलासपुर में तो 277, 158, 107, 88, टोटल 700 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी, आप डिवीजन वाइज भी देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट लिंक। तो जी हाँ, इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू। तो ये मैं स्लाइड के माध्यम से आपको मैंने बता दिया सारी जानकारी, बट अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए, ये रहा लिंक, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको इसकी दी हुई सूचना, विज्ञापन एवं दिशा निर्देश और अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट इसका नोटिफिकेशन आइए पढ़ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, विज्ञापन एवं निर्देश के ऊपर क्लिक कर देना है या फिर वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक दिया हुआ है, मतलब इसका नोटिफिकेशन का लिंक ये दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दिनांक 5/11/2021 से 25/11/2021 शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब यहीं पर आप देखेंगे पोस्ट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और मतलब टोटल पोस्ट आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए आगे की चीजें देख लेते हैं। सामुदायिक, देखिए यहाँ पर क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद में सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट या फिर बीएससी नर्सिंग या सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स आप किए होना चाहिए, आपकी योग्यता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानदेय की सुविधा क्या होगी, तो मैक्सिमम 16,500 है, वैसे 15,000 रुपए आपकी सैलरी निर्धारित की गई है, मतलब चिरकुट से सैलरी है ये, मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25 नवंबर 2019, ये भी आप इसके टर्म्स कंडीशन पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड, बार बार वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए आयु, अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी की आयु 1/1/2021, यहाँ पर देखिए 1/1/2021 से आपकी एज काउंट होगी, मिनिमम 21 मैक्सिमम 35, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आयु के साथ छूट वगैरह भी मिल जाएगा, जो लेना है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नियमन शर्तें वही बीएससी इंटीग्रेटेड, बार बार वही बेसिक शिक्षा, ठीक है। तो ये मतलब नोटिफिकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए मैं लिंक दिया हूँ, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पर, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा देखिए कोई अच्छी इंफॉर्मेशन होगा तो मैं उसे रीड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए जो शुल्क दिया गया है कि आपको कितना पैसा लगने वाला है, तो विकलांग आज आ जा जा महिला के लिए 100, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि SC ST और OBC के लिए 100 रुपए है, और यहाँ पर देखेंगे तो अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपए, मतलब जनरल पुलिस के पुरुष के लिए वो, और ओबीसी के लिए आपको 200 रुपए रखा गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, 5/11 से 25/11/2021 शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें देख सकते हैं, और कोई बात है तो ये देखिए वेबसाइट भी दी हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज मुझसे मिस हो रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी इसमें दिखा देता हूँ, कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, और मेरिट लिस्ट मतलब आपको कोई एग्जामिनेशन इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4.3 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये मेरिट लिस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें, इससे जुड़ी हुई कोई अलग से जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस ट्विटर अकाउंट पर आ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स से और अलग अलग डिपार्टमेंट से सारी जानकारी मैं यहाँ पर ट्वीट करता रहता हूँ, तो जिससे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर सूचना, देखिए वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सूचना देखने को मिल जाएगा, सूचना के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी हुई जानकारी का जो विज्ञापन है शॉर्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये लिंक भी मैं दे दूंगा अप्लाई करने का, अदरवाइज इस वेबसाइट पर भी आप आके क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो इस तरह पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप इस फॉर्म का सबमिट करें सेलेक्ट पोस्ट, तो पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई डिवीजन, तो किस डिवीजन के लिए आप जाएंगे, रायपुर, बिलासपुर, किसी पे, तो अब मैं बिलासपुर में कर देता हूँ। आपको अपना यहाँ पर नाम डाल देना है, लास्ट नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, लिंक आपका डाल देना है कि आप पुरुष हो महिला हो। आपको ये लोकल जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं आपको फुलफिल करना है, एड्रेस वगैरह, ठीक है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सबको डाल के सेव कर देना है। और इसका जो इस फॉर्म को भर लेंगे, फॉर्म को भरने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो नीचे दिए हुए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म कुछ इस तरीके से, और शुरुआत के जो 50 लोग हैं अगर उनको दिक्कत होगी तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भराने में ऑनलाइन और रिमोटली मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसका अगर सिलेबस वगैरह भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर, वहां पर ट्वीट करेंगे तो मैं आपको इसका सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड करके
आपको चीजें बता दूंगा। तो आई थिंक ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।